भोपाल के युवा कलाकार ध्रुव जैन पीपल के पत्तों पर पेंटिंग बनाने में माहिर हैं। आजकल वे अपने इस खास हुनर को अयोध्या में होने जा रहे श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाने में आजमा रहे हैं। ध्रुव अपनी इन खास पेंटिंग को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट में देना चाहते हैं। देखिए जी, राम जी होंगे, राम जी का मंदिर होगा और जिनकी वजह से मंदिर बन पाया है उनकी भी पेंटिंग बनेगी। कौन? मोदी जी। ध्रुव का कहना है कि पीपल के पत्तों पर पेंटिंग बनाना काफी मुश्किल है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। उनके मुताबिक ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए धीरज रखना जरूरी है। क्या है, पीपल का पत्ता पहले तो मैं खुद ही तोड़ के लाता हूँ, उसके बाद काफ़ी सारे पीपल के पत्ते इकट्ठे में डाल देता हूँ पानी में और इनको 20 दिन तक गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये गल जाते हैं तो इसको ब्रश से धीरे धीरे रगड़ के उसको साफ किया जाता है पत्ते को, तो ये करने में काफ़ी पत्ते टूट भी जाते हैं, तो आधे पत्ते सही बच पाते हैं। और इसको फिर पत्ते पे जब मैं पेंटिंग बनाना चालू करता हूँ, उससे पहले रफ में पेपर पे पेंसिल से ड्राइंग बनाता हूँ। पेंटिंग बनाने के दौरान ये ज़रूरी है कि पीपल की नाजुक पत्तियाँ किसी भी सतह को छुएं। ऐसा होने पर पत्तियों पर लगा रंग सूख जाएगा और सतह से चिपक जाएगा।